বড় অপরাধ। মানুষকে কিভাবে আশ্বাসন দিয়ে বিষাক্ত জল পান করিয়েছে, তাহলে বিষাক্ত জল পান করাবার জন্য এটা সম্পূর্ণভাবে শাস্তিযোগ্য একটা অপরাধ। পরিস্থিতি তো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে হয়েছে, পরিস্থিতির জন্য তো কেউ দায়ী না প্রকৃতির সাথে, সেটাকে নিয়ে যদি যারা রাজনীতি করে অতি দুর্ভাগ্যজনক, তারা করতে পারে। আমরা মানুষের সাথে থেকে মানুষের এই অসুবিধাকে আমরা অ্যাড্রেস করব এবং সেটা করার জন্য রাস্তাই আছে। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जल ही जीवन है, लेकिन आज दूसरी तरफ जो स्थिति एसएमसी में देखने को मिला, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मानो वह कुरुक्षेत्र बन गया हो, महाभारत का जंग छिड़ गया हो। कहना मैं क्या चाहता हूँ, एक तरफ सीपीआईएम, दूसरे तरफ टीएमसी आपस में ही भिड़ गए, तुतू मैं होने लगा। और हुआ क्या, वास्तव में यह आरोप लगा वर्तमान सरकार पे सीपीआईएम के द्वारा कि आप पूरे शहरवासी को विषैला जल क्यों पान करवाया, आप ऐसा क्यों पहले नहीं कर चुका, इसका वैकल्पिक व्यवस्था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपने वचन दिया था कि तीस्ता कैनल की मरम्मति का काम शुरू होने से पहले मेयर गौतम देव ने कहा था कि पानी का जो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है शहरवासियों के समक्ष, कारण वैकल्पिक रूप में हम महानंदा को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज वह बात गलत साबित होते दिख रही है और आज लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम शहरवासी। इसको देखते हुए आज एक पल की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेयर, डिप्टी मेयर और तमाम पदाधिकारी गण को अंदर प्रवेश करने से बाधित किया गया था सीपीआईएम के द्वारा में। और आपको बता दें, पूर्व मेयर अशोक भट्टाचार्य जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे समय में, मेरे कार्यकाल में किसी कारण बस ऐसे ही पानी की दिक्कत जब आई थी दो दिनों के लिए, तो मुझे रास्ते पे खड़ा कर दिया गया था और उस वक्त मुझे जवाब देना पड़ा था। और आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कारण कि जब जवाबदेही जिनका है उनसे लेने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पे बीच में फिर से पुलिस प्रशासन आके खड़ी हो गई। मैं ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा दुखित हूँ, आहत हूँ, और यही मेरी मंशा है कि हमारे सिलीगुड़ी शहरवासी को स्वच्छ और अच्छा पानी पीने का व्यवस्था पहले की भांति मिले। मैं किसी भी किस्म का राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। केवीएस यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यही। আমি তো এটাই বললাম, আমার কয়েক বছর আগে আমি যখন মেয়র ছিলাম পিএইচসির একটা কাজের জন্য, সেই কাজের জন্য দুদিন জল বন্ধ ছিল, যেভাবে আমাকে এখানে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অবদস্থ করানো হয়েছিল, একটা পুলিশ আসে নাই, একটা পুলিশও আসে নাই, এবং সে সময় আমাকে ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে আমাকে অ্যাসাল্ট করা হয়েছিল, সেই সময়তে এমনকি মারধরেরও চেষ্টা করেছিল। এবং আজকে সঙ্গত কারণে শিলিগুড়িবাসী তারা জল চাইতে এখানে এসছে, কোনো রাজনীতি করতে আসেনি, এবং এই বিক্ষোভটা সঙ্গত। মানুষকে কিভাবে আশ্বাসন দিয়ে বিষাক্ত জল পান করিয়েছে, তাহলে বিষাক্ত জল পান করাবার জন্য এটা সম্পূর্ণভাবে শাস্তিযোগ্য একটা অপরাধ। এই শাস্তিযোগ্য অপরাধ যারা করেছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না,
এই এফআইআর করতে হবে এবং তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং শিলিগুড়ি বাসীর কাছে তাদেরকে শুধু মানে না তাদের যে দায়বদ্ধতা তাদের পালন করেনি তাদের এই পৌর কর্পোরেশন চালাবার কোনো নৈতিক অধিকার নেই যোগ্যতাও নেই এই আন্দোলন আমাদের চলবে এইটাই আমরা এখানে বললাম আমাদের এখন অন্য অন্য বক্তারা বক্তব্য রাখবে সেটা তাদের বিষয় আমি তো যাচ্ছি দুটো বড়তে এখন ধনী করতে একার পাঁচ আর ডেপুটি মেয়র জলের এমএসিতে নিয়ে যাচ্ছে দুই তিন আর চার সেটা যদি এরা বাধা দেয় গাড়ি আমি হেঁটে যেতে পারি স্কুটারে যেতে পারি বাইকে যেতে পারি কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমি তো যাব दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्यामूर्ति नदी लाटागुड़ी।